जय श्री कृष्ण डियर स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र शर्मा, मैं आपको यानी कि जूलॉजी फर्स्ट पेपर, जूलॉजी पेपर थर्ड, जूलॉजी के अंदर मैं BSc फर्स्ट ईयर, और मैं आपको ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ महाराजा सूरजमल PG महाविद्यालय अजबपुरा की तरफ से। जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है शुक्र चंद्र। देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि मानव नर के अंदर जो एक वर्षण कोष होता है, उस वर्षण कोष में दो टेस्टिस होते हैं, दो वर्ष होते हैं। इन वर्षों के अंदर शुक्रजनक नलिका होती है, शुक्रजनक नलिका। ये शुक्रजनक नरक नलिका जिनका अंग्रेजी हम सेमी पेलस ट्यूमर्स बोलते हैं, इन सेमी पेलस ट्यूमर्स में शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपका सही आंसर होगा सेमी पेलस ट्यूमर्स। यहाँ पर सेमी पेलस ट्यूमर्स बात करती है, ये दो वर्षण होते हैं, ये एक जोड़ी वर्षण होते हैं, एक जोड़ी वर्षों में शुक्राणु का निर्माण होता है। अब शुक्राणु की बात करें तो सबसे पहले हम शुक्राणु के निर्माण को क्रमवार से पढ़ें। शुक्राणु के अंदर ये वर्षण होते हैं, वर्षण के अंदर जो आदि जनन कोशिकाएं होती हैं, आदि जनन कोशिकाओं को इनिशियल सेल्स बोलते हैं, इनिशियल यानी कि प्रारंभिक कोशिकाएं, इनिशियल प्रारंभिक कोशिकाएं या इनको आदि कोशिकाएं भी कहते हैं, यानी कि आदि कोशिकाएं या इनिशियल कोशिकाएं। इनको हम दूसरा नाम है प्रीमोर्डियल जनन सेल, प्रीमोर्डियल कहने का मतलब है कि वर्षों के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है, लेकिन कुछ कोशिकाएं जो प्रारंभिक कोशिकाएं कह सकते हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल से बोल सकते हैं, आदि जर्म कोशिकाएं कहते हैं, वे कोशिकाएं कुछ बड़ी हो जाती है, कुछ बड़ी यानी कि विशेषीकृत हो जाती है, वे कोशिकाएं कुछ बड़ी और यानी कि विशेषीकृत हो जाती है, और विशेषीकृत होकर उनमें बार 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 समसूत्री विभाजन होता है, यानी बार बार समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन होने के बाद में वो स्पर्म मेटोफोरिया बनाती है, यानी कि इसको स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल से बोल सकते हैं, स्पर्म मदर सेल से बोल सकते हैं। तो बार बहुत सारी यानी कि स्पर्म मेटोफोरिया का निर्माण करते हैं, समसूत्री विभाजन करते 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 बहुत सारी स्पर्म मेटोफोरिया का निर्माण। स्पर्म मेटोफोरिया की बात करें, इसमें समसूत्री विभाजन माइटोटिक होगा तो इससे दो हो गई, इसमें फिर समसूत्री विभाजन होगा तो चार, यानी एक स्पर्म मेटोकोनिया लगातार दो समसूत्री विभाजन करने से चार स्पर्म मेटोकोनिया का निर्माण चार स्पर्म मेटोकोनिया का निर्माण। तो यानी जब स्पर्म मेटोकोनिया में समसूत्री विभाजन होते हैं और अपनी संख्या के स्पर्म मेटोकोनिया अपनी संख्या बढ़ाती है, अपनी संख्या का इजाफा करती है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, यानी कि संख्या बोल सकते हैं। अब देखिए गुणन प्रवस्था होने के बाद में अब बात करते हैं कि एक स्पर्म मेटोकोनिया अब ग्रोथ फेज में जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं शुक्र जनन को हम तीन फेजों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले फेज कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी कौन सी है, ग्रोथ फेज, और तीसरी फेज कौन सी है, मैचुरेशन फेज, यानी कि कौन सी होती है, मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज यहां से स्टार्ट है, ग्रोथ पेज, ये ग्रोथ पेज है, इसको मैचुरेशन फेज कहेंगे।
चूज कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि ईश्वर में जो जैसे ही आप ईश्वर में होने की संख्या बढ़ गई, एक ईश्वर में को मैचुरेशन फेज में जाएगी, मैचुरेशन सॉरी ग्रोथ फेज में जाएगी, एक ही ईश्वर में होनी है वो ग्रोथ फेज में जाएगी। ग्रोथ फेज में जाने के बाद में इसके अंदर यानी इसके आकार है वो दो गुना बड़े हो जाएगा, यानी कि इसका जो आकार था पहले इसमें इससे ग्रोथ फेज के अंदर इसमें आकार बढ़ती होगी। वृद्धि दो तरीके से होती है, केंद्रीय पदार्थों की वृद्धि और एक कोशिका द्रव्य की पदार्थों की वृद्धि। तो यानी कि इसका जो आकार है वो आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ग्रोथ फेज में। ग्रोथ फेज का मतलब ही क्या है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में वृद्धि कर लेगी, और वृद्धि करने के बाद में अब इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि प्राथमिक शुक्र कोशिका बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बोलेंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का आकार जब बड़ा हो गया तो ये किस में जाएगी, मैचुरेशन फेज में जाएगी। मैचुरेशन फेज होते हैं यानी कि प्रथम परिपक्व अवस्था बोलते हैं। अब मैचुरेशन फेज में इसको दो होंगे, एक तो प्राइमरी मैचुरेशन फेज, दूसरा होता है सेकेंडरी मैचुरेशन फेज। प्राइमरी मैचुरेशन फेज के अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी मैचुरेशन फेज है इसके अंदर यानी कि देखते हैं हम कि जो पहला विभाजन होता है इसको न्यून का विभाजन बोलते हैं, क्रोमोसोम जो नंबर है वो क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं वो नंबर क्यों नहीं है, जो क्या हो जाएंगे हाफ यानी कि गुण सूत्र क्या आधे हो जाएंगे। फिर इसमें दूसरा जो मैचुरेशन फेज होगा उसमें उसमें कुछ वो समसूत्र जैसे प्रकार का होगा, यानी कि गुण सूत्र यहाँ पर ये टू वन था, ये भी टू वन है और ये भी टू वन, ये भी टू वन, सभी टू वन है लेकिन यहाँ पर ये आयोगित हो आयोगित हो। तो केंद्र आगे इसके अंदर अब फिर सेकेंडरी मैचुरेशन फेज होगा, यानी कि प्रथम परिपक्व अवस्था में गुण सूत्र की संख्या क्या होगी, आधी होगी। द्वितीय जो मैचुरेशन फेज है इसमें गुण सूत्रों की संख्या तो समान रहती है लेकिन इसके अंदर यानी कि स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। अब बात आती है स्पर्मेटिड्स के अंदर एक कायांत्र बनता है, शुक्र कायांत्र बोलते हैं। स्पर्मेटिड से क्या होंगे, शुक्राणुओं का निर्माण होगा, जिसको स्पर्मेटिड से शुक्राणु के निर्माण को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोपियोसिस, यानी कि आप इतना ही जान सकें कि स्पर्मेटोपियोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटिड से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और इस प्रकार एक स्पर्मेटोपियोसिस से चार शुक्राणु प्राप्त हुए। अब चार शुक्राणु जो शुक्राणु की बात करें तो ये चार शुक्राणु प्राप्त हुए, अब जिसे एक स्पर्मेटिड से चार शुक्राणु का निर्माण हुआ। अब चार शुक्राणु से आगे क्या हुआ, स्पर्मेटिड में शुक्र कायांतरण हुआ यानी कि इसके अंदर स्पर्मियोजेनेसिस हुआ या स्पर्मेटोलियोसिस हुआ, इससे हमें चार शुक्राणु प्राप्त हुए। अब बात करते हैं कि जो शुक्र कायांतरण के दौरान कि जो से शीर्ष भाग में यानी हेड भाग में क्या परिवर्तन हुए, मिडिल भाग में क्या परिवर्तन हुए और टेल भाग में क्या परिवर्तन हुए, यानी कि स्पर्मेटिड से शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं है? कि स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस। इसके दौरान शुक्राणु में आकार किए उपापचयी परिवर्तन पाते हैं और उपापचयी परिवर्तनों को शीर्ष भाग में हेड भाग में क्या परिवर्तन आते हैं, मिडिल भाग में क्या परिवर्तन आते हैं, टेल भाग में क्या परिवर्तन आते हैं, ये सभी जो चेंजेज हैं स्पर्म में उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो कि हेड के अंदर, सबसे पहला हेड के अंदर कौन सा आता है, जैसे चेंज इन द न्यूक्लियस, चेंज
न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या परिवर्तन आता है इसमें देखिए आप, इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले शुक्राकाय द्रव्य के द्वारा केंद्रक का जो जल था, इसमें जो जल होता है केंद्रक के अंदर, ये जल जल का वाटर को केंद्रक से वाटर को निष्कासित किया जाता है। साथ के अंदर इसमें आरएनए आरएनए जिसको राइबोसोम वाटर आरएनए और साथ के अंदर प्रोटीन प्रोटीन और न्यूक्लियस, यानी कि कहने का मतलब केंद्र भाग से जो आवश्यक पदार्थ होते हैं कौन कौन से, वाटर आरएनए प्रोटीन और न्यूक्लियस, इन सब को केंद्र भाग के केंद्र से भाग के निष्कासित किया जाता है और क्यों किया जाता है, क्योंकि शुक्राणु का भाग यानी कि केंद्र जो स्तंभ का स्तंभ को लाइट किया जाता है, लाइट किया जाता है, उसको हल्का किया जाता है, उसका जो वेट है उस वेट को कम किया जाता है, स्तंभ का लाइट किया जाता है। तो इसके बाद में जो कहने का मतलब है केवल एक बात सबको आउट करने के बाद में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की जो सेल बैक होती है, सेल बैक चेंज होती है, इसका जो ये भाग है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद में हम देखते हैं कि अब बात करेगी सचिन मनुष्य के अंदर ये अंडाकार चपटा होता है, यानी अंडाकार और यानी कि अंडाकार और चपटा हो जाता है। अन्य जाति विशेष यानी कि जैसे जैसे अलग अलग प्राणी की बात करें, सभी प्राणियों में इसकी जो आकृति होती है सेम होती है, वो सब में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो दूसरा होता है केंद्र बात में एकदम न्यूक्लियस की बात होती है, आप देखिए जो एक्रोशन प्रोटीन नुमा यानी कि जो अगर बात करें न्यूक्लियस के अगर बात में उसको कहते हैं अपन एक्रोशन। प्रोटीन नुमा संरचना होती है, एक प्रोटीन नुमा संरचना जिसे हम क्या कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन नुमा संरचना होती है उसको एक्रोशन कहते हैं। इस एक्रोशन के अंदर हाइड्रोलाइट एंजाइम लाइट एंजाइम
दूसरा होता है एक्रोसी, तीसरा होता है बायोमी और चौथा होता है एस्पार्टिक। बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। ये सभी एंजाइम क्या करते हैं, यानी कि ओवम होता है, ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है, ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को डिजोल्व करने का काम करता है, मेम्ब्रेन को डिजोल्व करने का काम करता है, यानी कि कहने फ्लाय डिजोल्व करने का काम करता है। तो ये केंद्रक में जो अगर भाग में होता है एक्रोसोम का काम हुआ। आगे बात करते हैं अपने मध्य भाग की, बात भी करें। अब देखिए आप इस केंद्र की जस्ट नीचे की बात करें अपन, यहाँ की बात करें तो जहाँ हम नीचे सेंट्रल पर सेंट्रल आ जाता है, सेंट्रल दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रोक्सिमल, एक होता है डिस्टर्ब, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो उसको क्या बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं, और एक कहने और तो ये क्या करता है कि जो ये प्रोक्सिमल और ये प्रोक्सिमल, यानी इसको प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं, नीचे डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं। अब जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है और डिस्टल सेंट्रियोल, इसका काम क्या है कि जो सेंट्रीव्यूल रीजन के अंदर ये माइटोटिक फाइबर्स का निर्माण करता है, माइटोटिक फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक फाइबर्स। डिस्टल का काम क्या है, ये अक्षय एक्जाइट लैमिन का निर्माण करता है, एक चार प्लैनेट फॉर्मेशन होते हैं, और नीचे नीचे एक और सेंट्रोटिक जो ये होता है मिनी सेंट्रोटिक, इसको इसका काम क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको टेल भाग में आने से रोकता है, टेल भाग टेल कहते हैं इसको, तो इसको आने से रोकता है। अब आते हैं मध्य भाग, मध्य भाग की बात करें, मध्य भाग ये है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एक अक्षय एक माइटोकॉन्ड्रिया ट्रिपल के रूप में, यानी कि व्यवस्थित होते हैं, फित्ते नुमा संरचना होती है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है, यानी फित्ते नुमा माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, इसका काम क्या है, एनर्जी प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है इसको, जो एनर्जी प्रदान करता है।
उसके बाद में जो ये एनर्जी प्रदान करता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। अब बात करते हैं कि जो ये पीछे वाला जो टेल वाल्व होता है का, ये टेल वाल्व दो खंडों में होता है, दो वाल्व होते हैं इसके, एक तो होता है मुख्य खंड प्रिंसिपल फीस और दूसरा होता है एंड फीस, यानी कि इसके अंदर प्रिंसिपल फीस और एंड फीस इसके दो भाग होते हैं, प्रिंसिपल फीस और दूसरा होता है इसका एंड ऑफ फीस। इनमें सब दोनों में व्यवस्था होती है। आगे बात करते हैं, अभी शुक्राणु की हम बात करें तो एक बार सब कुछ जो हमने पढ़ाया उसको एक क्रमवार सुनिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे थे शुक्र जनन प्रक्रिया। शुक्र जनन प्रक्रिया को हम वापस एक बार रिवाइज करते हैं कि जो स्पर्शन होता है, स्पर्शन की जो आदि जनन कोशिकाएं होती हैं, प्रीमोडियम जो जर्म सेल होती हैं, उनमें कुछ वो विशेषीकृत हो जाती हैं अन्य कोशिका की तुलना में, तब उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया में दो लगातार समसूत्र विभाजन होते हैं और दो लगातार समसूत्र विभाजन के बाद उसके अंदर, यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया में दो लगातार समसूत्र विभाजन होंगे तो उसे चार स्पर्मेटोगोनिया बनती है। एक स्पर्मेटोगोनिया, जब स्पर्मेटोगोनिया की जब संख्या में वृद्धि हो जाती है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया जब वृद्धि प्रावस्था में जाती है तो अपने दोगुने आकार में आ जाती है। इस दोगुने आकार में आने के बाद उसको आकार बड़ा हो जाएगा तो अब इसके अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, मैचुरेशन फेज बोलते हैं। अब जैसे ही ये उसमें जाएगी, यानी कि मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज दो प्रकार का होता है, फर्स्ट मैचुरेशन फेज, सेकंड मैचुरेशन फेज। फर्स्ट मैचुरेशन फेज में न्यूनकारी होता है कि जो द्विगुणित जो प्राइम्स, द्विगुणित जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी वो द्विगुणित थी, और इससे पहले फर्स्ट मैचुरेशन फेज आता है। फर्स्ट मैचुरेशन फेज में होने से इसके अंदर, कहने का मतलब है कि इसके अंदर अब जो स्पर्मेटोसाइट है इससे फर्स्ट मैचुरेशन फेज होगा, इससे बनेगी जो गुणसूत्रों की संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम है उनकी संख्या आधी हो जाएगी, यानी कि आइगोनिस हो जाएगी। सेकेंड मैचुरेशन फेज है वो न्यूनकारी नहीं होता है, वो एक समसूत्री माइटोटिक टाइप प्रकार का होता है जिसके अंदर चार स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। अब ये चार स्पर्मेटिड्स जिन्हें शुक्राणु सेल्स बोलते हैं, अब ये क्या करती हैं कि इनमें किसी प्रकार का या गोल होती है, अचल होती है, लेकिन इनको हम शुक्राणु नहीं कर सकते। अब इन स्पर्मेटिड से अब इनमें शुक्र कायंत्रण होगा, स्पर्मेटोलियोसिस होगा, यानी शुक्र कायंत्रण होगा। शुक्र कायंत्रण के बाद में इसके अंदर चार शुक्राणु बनते हैं, तो इस प्रकार एक स्पर्मेटिड से चार शुक्राणु बनते हैं। अब बात करें शुक्राणु की जो आकारिकी है, उपापचयी जो भी संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि शुक्राणु के जो अग्रभाग होता है, शुक्राणु के तीन भाग होते हैं, हेड, ब्रेन और टेल होते हैं। हेड भाग में जो चेंज होते हैं वो न्यूक्लियस में चेंज होंगे। न्यूक्लियस में सभी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को सबको पार कर दिया जाता है ताकि शुक्राणु को लाइट कर सके, शुक्राणु को गति प्रदान। शुक्राणु के अग्रभाग में प्रोटीन संरचना होती है जिसको माइक्रोसोम बोलते हैं, और शुक्राणु जो केंद्रक द्रव्य है उसको जल को पार कर, इसके पास में गड्ढा होता है, गड्ढे में सेंट्रियोल होता है, एक सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से जस्ट पीछे होता है वो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, और नीचे जो अक्षय तंतु होता है, अक्षय तंतु में माइटोकॉन्ड्रिया की व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, निभेनकरण बोलते हैं। इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, निभेनकरण बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे क्या होती है, एक पिच होती है, पिच सोटाइल कहते हैं, टोल में दो खंड होते हैं, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल फीस और एंड फीस। इस प्रकार आज हमने ये पढ़ाई की, और एक बार देखिए आप जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु के अब ये माइक्रो, अगर बात करें डीएनए, इसमें कहते हैं जो डीएनए होता है, डीएनए की पूरी न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये अनुवांशिकी की इकाई होती है, जेनेटिक यूनिट कहते हैं इसको,
और ये जेनेटिक यूनिट, और जब ये अंडे में प्रवेश करता है तो ये यहाँ तक का बाकी प्रवेश करता है। पूछवा को छोड़ पूछवा का कम क्या है वर्क ऑफ टेंट, इसका क्या रैंडम जो रैंडम, और इसका काम क्या होता है, इसका काम एनर्जी देना, और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि इसमें मानसिक काम, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि हम जो ओवम मेम्ब्रेन होती है उनको गिराने का काम करते हैं। इसमें जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम देखिए आप हाइड्रोलिटेज एस्पार्टिक होता है, बाइंडिन होता है, एक्रोसिन होता है, ये क्या करती हैं कि जो हाइड्रोलिटेज है जो कोरोनरी एक्टिव है उसको गिराने का काम करता है, एक्रोसिन होता है वो इसको जोना पेरिसोटा को, और इस प्रकार अंडाणु कोलाओं को खोलने का काम करता है। तो अंडाणु कोलाओं को खोलने का काम करता है। इसके बाद में बात करते हैं कि अब शुक्राणु के जो प्रकार देखिए, तो टाइप्स है एक तो फ्लैजेलेटेड स्पर्म, दूसरा फ्लैजेलेटेड स्पर्म, और दूसरा होता है नॉन फ्लैजेलेटेड स्पर्म। कसाब होते हैं जिन प्राणियों के शुक्राणु में कसाब होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फ्लैजेलेटेड। जिनमें कसाब नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, एक्सोसाब। तो बात करें कि तो कसाब रहित शुक्राणु किसी में पाया जाता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है झींगा, क्रेफिस यानी क्रेफिस एस्केरिस, क्रेफिस नॉन फ्लैजेलेटेड। बाकी जितने भी हैं इसमें कशेरुकियों में कशेरुकी तो शुक्राणु टाइप के थे कि एक तो फ्लैजेलेटेड स्पर्म्स और दूसरा हो गया नॉन फ्लैजेलेटेड स्पर्म्स। तो अभी तो कहने का मतलब अधिकांश जो कसेरे होते हैं एक कसाबी यानी मोनो कसाबी होते हैं, और जैसे एक एग्जांपल है कहने का है कि जो बैग मछली है उसके दी कसाबी होते हैं, और एक कसाबी रे शुक्राणु यानी कि अमीबी गति होती है। तो शुक्राणु का ये मैं समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। नई कक्षाओं में नई लेके आएंगे। ये हमने जो शुक्र जन्म का हमने पढ़ा, तो शुक्र जन्म जो इसको हम अग्रिम क्लासों में बुलाएंगे। तो जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स।